हाय एवरीवन, मैं हूँ लवली। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लवली किचन में। आज मैं आपको एकदम अलग तरीके से हरे लहसुन की यानी कि लहसुन के पत्ते की चटनी बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर आप लोग इसको अपने घर में ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हरे लहसुन के पत्ते की चटनी बनाना। हरे लहसुन की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हरा लहसुन और इसके लिए चाहिए हरा धनिया। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, धनिया को मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पे लेंगे हरी मिर्च, अदरक, स्वाद के अनुसार नमक, आधा टुकड़ा नींबू का रस और सरसों का तेल। तो चलिए हरे लहसुन की चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए लहसुन को कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने हरे लहसुन के पत्ते को कट कर लिया है। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक मिक्सी का जार। आप इसमें हरा लहसुन डाल देते हैं। आप डाल देंगे धनिया। धनिया मैंने डाल दिया है। अब डाल देते हैं अदरक और हरी मिर्च। आप स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। इसके बाद नींबू का रस डाल देते हैं। तो इसे अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे। मैंने नींबू को स्क्वीज कर लिया है। आप डाल देते हैं इसमें सरसों का तेल, बिल्कुल जरा सा। नींबू का बीज निकाल देते हैं। तो चलिए चटनी बना लेते हैं। आप इसमें डाल देंगे 2 चम्मच पानी। तो इसे बंद करके ग्राइंड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया हरे लहसुन की चटनी बनकर तैयार है। तो देखिए बिल्कुल ऐसी थिकनेस चाहिए चटनी की। तो चलिए इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने सारी चटनी निकाल लिया है। अब इस जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जार में लगी चटनी निकल जाए। अब जार को बंद करके बिल्कुल इस तरीके से लगी हुई चटनी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से मैंने चटनी को निकाल लिया है। तो देखिए कितनी बढ़िया हरे लहसुन के पत्ते की चटनी बनकर तैयार है। इसी तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। आप इसे पकौड़े या किसी भी खाने के साथ खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। एक बार ज़रूर आप लोग इसको अपने घर में ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि हरे लहसुन के पत्ते की चटनी आप लोग को कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।